हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है कन्हैया कुमार झा और आप देख रहे हैं फाइट विथ एसएससी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का जो पहले के मॉडल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, उसके बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर निकाला है तो उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। बच्चों, आपको पता है कि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए तैयारी। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछना तय है बच्चों, यकीन मानिए, मुझे एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस के बदलते मैं कहता हूँ बच्चों, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान समझो क्या कह रहा है। एक प्रकाश किरण है, ठीक है ना, समतल दर्पण पर लंबवत होती है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक समतल दर्पण है, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पर एक आपतित किरण है, कह रहे तो परावर्तित किरण का मान बताइए, ये मान निकालना है। हमें पता है दोस्तों कि नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कह रहे हैं कि आपतन कोण जो है लंबवत का मतलब क्या होता है बच्चों, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। जब आपतन कोण है बच्चों 90 डिग्री, आपतन कोण कितना है, आपतन कोण है बच्चों 90 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बताइए, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर समझो बच्चों, हम जानते हैं ना आपतन कोण बराबर क्या होता है, हम सभी बच्चे जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। यहाँ पर कह रहे हैं आपतित, आपतित का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर, आपतित का मतलब, सॉरी यहाँ पर आपतित कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, यानी वो 90 डिग्री, कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनाएगा। जब 90 डिग्री बनेगा ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इस तरह से हम नियम निकाल सकते हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, क्या होता है बच्चों। हम जानते हैं वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003, जानते हैं, नहीं जानते तो याद कर लीजिएगा सभी बच्चे, 1.0003 ये होता है। अब देखो बच्चों, ये एक से ज़्यादा है ना, 1.0003 ये एक से ज़्यादा है, ये एक से क्या है, ज़्यादा है, तो एक से अधिक हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन में है ना, एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक से अधिक। क्योंकि जानते हैं जो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है, एक से अधिक हो गया ना, एक से थोड़ा ही अधिक है, और एक से अधिक सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, हम सभी जानते हैं बच्चों जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, कितना होती है 25 सेंटीमीटर, कहाँ है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो गया बच्चों। कई सारे बच्चे धरफड़ी में 25 मीटर मार के आ जाते, नहीं, तो आपको आंसर देखना 25 सेंटीमीटर ही होगा बच्चों, इसका आंसर 25 सेंटीमीटर होगा, ए ऑप्शन होगा। अब दोस्तों अगर पूछ ले अधिकतम दूरी कितनी होगी, अधिकतम दूरी पूछ ले ना, अधिकतम दूरी पूछ ले तो बोलना अनंत होगा, क्या होगा बच्चों, अनंत। अधिकतम पूछेगा तो होगा अनंत, इनफाइनाइट होगा बच्चों, अधिकतम पूछेगा ना अनंत होगा। और न्यूनतम पूछेगा, मिनिमम मतलब न्यूनतम, तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, जो भी पूछेगा वो बता देंगे। अगला क्वेश्चन, वोल्ट को भी कहा है, ठीक है, तो बच्चों आपको सीधा सा ध्यान रखना है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1J/1 कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल/1 कूलम, तो देख लीजिए कौन ऑप्शन है, कह रहा है वोल्ट बराबर हो जाता है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही एक ऑप्शन है, देखते हो, J/C मतलब क्या, जूल बटे कूलम। आप जानते हैं भाई मेरे, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1J/1 कूलम, तो ऐसा देख लो ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, ठीक है ना, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बच्चों चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था बच्चों, आप सभी को पता है
कि चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड ने किया था। ऑस्टेड, देखिए बच्चों, एक है प्रभाव, ध्यान समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रभाव। आएगा अगर प्रभाव विद्युत के चुंबकीय प्रभाव तो इसका आंसर ऑस्टेड हो जाएगा। अगर आए बच्चों क्वेश्चन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण आएगा तो प्रेरण खोज बच्चों फैराडे ने किया था, प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे पूरा नाम है बच्चों, तो समझ में आया आपको। अगर पूछेगा प्रभाव, प्रभाव होगा तो ऑस्ट्रेड, अगर पूछ ले बच्चों प्रभाव ना पूछ के पूछ ले कि प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो प्रेरण खोज किया था बच्चों माइकल माइकल फैराडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, हम सभी को पता है घर में जो यूज़ करते हैं बच्चों एसी होता है, क्या होता है एसी, घरों में हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों एसी, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अल्टरनेट करंट यूज़ करते हैं, देखो 120 वाला वोल्ट, इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं आपको प्रत्यावर्ती धारा, एसी को ना हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। देखो यहाँ पर ऑप्शन सी है ना, ये देख लेंगे 220 वोल्ट ठीक है एसी, और यहाँ पे देखो ऑप्शन 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, समझ जाएंगे सीधा घरों में हम लोग एसी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना सभी लोग। चलिए, लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं, सभी को पता है लेंस में मुख्य फोकस दो होता है, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और जिंक मिलके बनता है बच्चों, ये बनता है आपको पीतल, क्या बनता है पीतल, तांबा और जिंक मिलके, देखो Cu, तांबा मतलब Cu प्लस Zn, Zn मतलब जिंक, देखो Cu मतलब बच्चों तांबा, कॉपर, Zn मतलब जिंक, तो कॉपर और जिंक मिलकर के बनता है पीतल, पीतल एक मिश्र धातु होता है बच्चों, पीतल एक मिश्र धातु है, ध्यान समझिए बच्चों, समझेंगे सभी लोग, फिर समझिएगा सभी लोग, जो पीतल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, किस किस से, तांबा से, तांबा से प्लस किस से, जिंक से, तो इसको संकेत भी ढंगना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था ऐसे करके, Cu प्लस Zn मिलके क्या बनता है, तो बनता है आपको तांबा बनता है। ठीक है ना, सॉरी Cu प्लस Zn मिलकर के, माफ करना दोस्तों, Cu प्लस Zn मिलके बनता है आपको पीतल, बनता है क्या बनता है पीतल, मैंने तांबा बता दिया सॉरी, इसका आंसर पीतल होगा, Cu प्लस Zn मिलके क्या बनता है, ये बनता है आपको, इसकी बनता है पीतल, पीतल पीतल एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय है, ओहो हो अम्लीय है तो 7 से कम मार दो चिन्ह, अम्लीय है मतलब 7 से कम, अम्लीय मतलब 7 से कम हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर पूछ दे दोस्तों कि क्षारीय, पूछ दे क्षारीय, क्षारीय यानी बेस, तो इसका क्या हो जाएगा, सभी को पता है ना 7 से अधिक, क्षारीय मतलब 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्षारीय मतलब 7 से अधिक, और उदासीन जो होता है, ध्यान समझिए, उदासीन जो होता है बच्चों, एक मिनट जाओ, उदासीन, ओ माय गॉड, उदासीन, उदासीन, उदासीन के लिए क्या होता है, उदासीन का पीएच मान 7 हो, जैसे कि पानी, हम लोग जो पानी पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है पानी का, ये सवाल कई बार पूछा गया है, कई आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, चले बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल्केन का समान सूत्र, एल्केन यानी देखो यहाँ पर, देखो बच्चों कैसे याद करना है, एल्केन यानी ए का मात्रा है प्लस, ऐसे है ना, तो ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, ध्यान से देखो, देखो बच्चों ये है एल्केन, ए ल के न, इसी में आंसर छुपा हुआ, ऐसे है ना, तो कुछ नहीं, ऐसे को हम लोग ऐसे कर देंगे, लो ये देखो ऐसे था ऐसे कर दी, ऐसे था ऐसे, क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस वाला ऑप्शन खोज लो, प्लस वाला ऑप्शन खोज लेंगे, प्लस वाला कहाँ है ऑप्शन, तो प्लस वाला ऑप्शन एक ऑप्शन ए और सी में, यानी इसी में से होगा, इसका आंसर हो Cn H2n+2, बच्चों काफ़ी लोग, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ध्यान समझिए, ओ माय गॉड, ये बार बार ये हो रहा है। ठीक है, एक लोग जाओ, देखिए बच्चों यहाँ पर एल्केन तो आप लोग समझ गए होंगे, एल्केन क्या हो गया, एल्केन हो गया Cn H2n+2। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्काइन, एल्काइन, काइन मतलब रोएगा, काइन देखो यहाँ पर लिखा है काइन, काइन मतलब रोना, मैं समझाता हूँ, काइन मतलब रोना, रोएगा तो आदमी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो Cn H2n-2,
ठीक है, इस तरह से मैंने याद किया है। ठीक है, और एक होता है एल्कीन, क्या होता है बच्चों, एल्कीन होता है, एल्कीन जानते ही हैं ना आप सभी, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्कीन का होता है CnH2n, जो पूछेगा बना देंगे। शून्यवर का तत्व है, शून्यवर का तत्व है हम सभी जानते हैं हीलियम, जो है हीलियम हो गया, जिनोन हो गया, रेडोन हो गया, कैप्टन हो गया, बच्चों छः शून्य वर्ग का तत्व होता है, छः, कुल छः शून्य वर्ग तत्व होता है बच्चों, शून्य वर्ग तत्व। इसे हम लोग बच्चों नोबल गैस क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस। ठीक है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं, बच्चों इसे हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, ये किसी से अभिक्रिया, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। इसे इंग्लिश में बच्चों हम लोग इनर्ट गैस क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। ठीक है ना, तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे इसमें हीलियम हो गया, ऑप्शन सी, हीलियम हो गया, जिनोन हो गया, कैप्टन हो गया, रेडन हो गया। बाकी बच्चों दो जो बच गए वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, छः सभी बच्चे छः शून्य वर्ग समूह का हमें कमेंट करके बताओ क्या क्या होगा, छः सात सही से। ठीक है, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता होती है कितनी होगी, कार्बन यानी कार्बन की संयोजकता होगी बच्चों चार, कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की संयोजकता हो जाएगी चार बच्चों। संयोजकता देखो, संयोजकता कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, छः होती है ना, छः, तो छः को ऐसे सजाएंगे दो और चार, दो और चार, जो बाहरी कक्षा में बच जाता है वही होती है संयोजकता। तो कितना बच गया, चार बच गया, तो चार हो जाएगा आपका संयोजकता। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है, वाह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और एक नया क्वेश्चन है बच्चों, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व, सबसे अधिक तत्व है बच्चों, मैं बताता हूँ, ये हो जाएगा आपको छठा, सिक्स वाला, सबसे अधिक तत्व 32 तत्व है, 32 तत्व, कुल 32 तत्व, सबसे ज़्यादा तत्व आवर्त सारणी में, छठा जो बच्चों, छठा आवर्त है ना, जो छठा पीरियड है वो सबसे ज़्यादा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, CHO अभिक्रियाशीलक मूलक। अच्छा, एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, कौन सा आवर्त है जो अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, कौन सा आवर्त है, ठीक है, कौन सा आवर्त है जो अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। ठीक है बच्चों, ये चार ऑप्शन सेम होगा, इस चार ऑप्शन में से ही एक आंसर छुपा हुआ है, तो आपको बताना है, ये चार ऑप्शन है ना, बाकी चौथा, पचवा, छठा, सतवा, तो चार में ही आंसर छुपा हुआ है, कौन सा आवर्त है जिसमें सब जो अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, जो पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे सबसे अधिक तत्व, सबसे अधिक तत्व, सबसे अधिक तत्व, सबसे ज़्यादा तत्व, इसका आंसर छठा हो जाएगा, सिक्स। अगला क्वेश्चन बच्चों, CHO आपको पता है, CHO होता है आपको क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, CHO हो जाता है आपको एल्डिहाइड। ठीक है, बी ऑप्शन, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। और कीटोन का क्या होता है बच्चों, कमेंट करके, कमेंट करके बताइए सभी लोग, कीटोन का क्या होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये कमेंट करके आपको बताना है कीटोन का। ठीक है, अम्ल का मैं बताता हूँ, अम्ल का होता है COOH, कार्बोसिलिक अम्ल या अम्ल का COOH होता है, अम्ल का COOH। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, बच्चों ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, एक दिशीय, ऐसे समझ एग्जांपल, जैसे देखो पेड़ पौधा हुआ ना, पेड़ पौधा, प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं बच्चों, प्लांट्स यानी पेड़ पौधा। ठीक है, तो उनमें देखो प्लांट्स को कौन खाता है, प्लांट को खाता है आपको, जैसे आपको जानते हैं ना हिरन, हिरन जो होते हैं वो प्लांट को खाता है, खाता है, हिरन हो गया, बकरी हो गया, सब खाता है प्लांट्स को, खाता ना, फिर हिरन को कौन खाता है, हिरन खाता है शेर, कौन खाता है, शेर खाता है, शेर वगैरह इसको शिकार कर लेते हैं, हिरन को मार देते हैं। देखिए तो कहाँ गया, एक दिशा में हुआ, प्लांट्स, प्लांट से गया हिरन, हिरन से गया शेर, अब फिर शेर को दूसरा आदमी खाएगा, इसी तरह ये चलेगा। आप समझिए, फिर समझिए बच्चों, मैं समझाता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जो मेढक होता है, फ्रॉग, अभी अगल बगल में जो हल्ला हो रहा है वो मेढक ही कर रहा है बच्चों। ठीक है, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक, वो हल्ला अभी हो रहा है, ठीक है ना, आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा, वो मेढक ही कर रहा है, अभी बारिश का मौसम है। ठीक है, ध्यान समझिए, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या खाता है, वो कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है कौन, फ्रॉग, फ्रॉग खा जाता है, फिर फ्रॉग मतलब मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, सांप खाता है मोर, मोर खाता है, ठीक है, मोर सांप को खा जाता है, फिर चील खा जाता है, ठीक है ना, ये सब खा जाता है ना सांप को। तो बच्चों तो देख रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय है, एक दिशीय, एक दिशीय ऐसे आ रहा है, इसको ये, इसको ये, इसको ऐसे, एक दिशा में ऐसे, एक दिशीय आ रहा है ना, एक दिशा में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं बच्चों, पादप में जो अपशिष्ट होता है वो पत्तियों में भी होता है, ठीक है, पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है, कोशिकीय रिक्तियों में होता है, इनमें सभी, इसका आंसर सभी बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लिप्स में भी, बार्क में भी, सेलुलर वैकुलिस में भी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चल आगे, विकास के दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता है बच्चों, ये सवाल जो है इसका आंसर बहुत जगह चीन का विद्यार्थी है, बहुत जगह चिंपैंजी है, लेकिन इसका सबसे करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, आपको सबसे अधिक करेक्ट हो जाएगा, मैंने बहुत सर्च किया इसको गूगल पे या बहुत सारे वेबसाइट्स पे, तो मैक्सिमम वेबसाइट इसका चिंपैंजी दिखा रहा है, चिंपैंजी, कुछ वेबसाइट्स दिखाते हैं चीन की विद्यार्थी, ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों मेरे हिसाब से चिंपैंजी होना चाहिए, बी, कुछ वेबसाइट है चीन की विद्यार्थी दिखा रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बच्चों मैक्सिमम वेबसाइट ने बताया है चिंपैंजी, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से चिंपैंजी होना चाहिए, ठीक है, चिंपैंजी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, शुद्ध रक्त, ओहो शुद्ध रक्त ये तो धमनी का है, किसका है, धमनी, बच्चों धमनी जो होता है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वहनियाँ होती है, बच्चों ध्यान समझिए, ये जो है ना, जो धमनी होता है, धमनी वो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों, तो हृदय से लेकर के और शरीर से हृदय से होते हुए शरीर में प्रवाहित होता है, हृदय से जाता है शरीर में, हृदय से आपके उंगली में जाएगा, मतलब माथा में जाएगा, ठीक है, ब्रेन में जाएगा, टांग में जाएगा, हर एक तरह ले जाता है बच्चों, धमनी, जो धमनियाँ होती है, ध्यान समझिए बच्चों, धमनियाँ वो हृदय से लेकर के हर्ट से शुरू होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक बच्चों पहुंचाता है, ठीक है, और बताते हैं, और ये शुद्ध रक्त ले जाता है, कौन, और प्योर ब्लड ले जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्योर ब्लड, जिसे हम लोग ऑक्सीजनित रक्त भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, सबको पता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है बच्चों जायगोट, क्या बनता है, जायगोट बन जाता है, आसान क्वेश्चन। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कहते हैं बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसे ब्रीदिंग कहते हैं, सांस लिया छोड़ा, सांस लेना मतलब इनहेल होता है बच्चों, सांस लेना का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इनहेल, सांस छोड़ना कहते हैं एक्सहेल, जो इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस होता है, सांस लेना सांस छोड़ने का प्रोसेस होता है वो कहलाता है श्वासोच्छ्वास, बी ऑप्शन बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी 20 क्वेश्चन बताया है, पहले ना 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता था, ये 2017 का मॉडल पेपर है, तो इसमें 10 मॉडल पेपर है, तो ये तो पहला मॉडल पेपर है बच्चों, बाकी 9 मॉडल पेपर मैं जल्दी लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, रिस्पॉन्स के आधार पर मैं देखूँगा बच्चे अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, रिस्पॉन्स नहीं करोगे आप लोग तो मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। आप लोग शेयर करो, ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइए सर कि मॉडल पेपर 2 भी लेकर आइए, तो हम लोग मिलेंगे मॉडल पेपर 2 के साथ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।